6 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये एकदम से यार ये बंदर ने मेरे को डरा दिया बिल्कुल। ये देखो पता नहीं तार काट रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। आज का जो व्लॉग होने वाला है ये मेरे एग्जाम की दूसरी सीरीज है और इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मेरा एग्जाम कैसा गया, कैसा नहीं गया, अच्छा गया, बुरा गया और पास हूँ या फेल हूँ। तो चलो वीडियो पूरी शुरू करते हैं और आज अपना सेकेंड एग्जाम है इंग्लिश का, तो अभी हम जा रहे हैं देने और सुबह 6 बज रहे हैं और इस बार मैं जल्दी इसलिए उठा क्योंकि यार सारे चैप्टर की समरी पढ़नी है और ये बार का बहुत लेंथी पेपर भी है। तो चलो एग्जाम के आने के बाद सारी बातें करते हैं क्योंकि अभी कुछ पता नहीं लग पाएगा कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो चलो वीडियो पूरी शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली हम अभी घर आ चुके हैं अपने और ये रहा मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर। तो यार इसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज यार, प्लीज चैनल को जिन्होंने यार नहीं सब्सक्राइब कर रखा प्लीज कर लो क्योंकि 1K के यार बहुत नियर हूँ और थोड़ी सी यार मोटिवेशन भी बढ़ेगी और यार पेपर्स में भी वीडियो बना रहा हूँ आधे आधे एक एक घंटा निकाल के, कभी कभी शूट कर रहा हूँ, कभी 15 मिनट के लिए कर रहा हूँ। तो यार बहुत मेहनत भी लग रही है पढ़ाई के साथ साथ, तो प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ज्यादा टाइम नहीं खाते हो, अब अपना क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं कि कैसा आया। तो चलो ये देखिए, ये अपना आज पिछले पेपर में यार सेट नहीं थे, पिछले पेपर में सबका सेम था सेट फोर और आज इंग्लिश का पेपर था, इसे मेन पेपर भी कहते हैं क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो आज सेट आया मेरा सेट 1 है और ये देखें और टोटल 4 सेट होते हैं और आज मेरा 1 आया। और इसमें गाइज मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया पहले सेक्शन A से। मैं एक रात पहले ना, जैसे मैंने आपको पिछले शेड्यूल में बताया था कि बहुत देर में हुआ था मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर और ये वाला पेपर मेरा कम से कम भी आधे घंटे पहले ख़त्म हो गया था। तो मैं एक रात पहले शेड्यूल बना के गया था कि मैं पहले सेक्शन A करना है, B करना है, C करना है और कितने टाइम में करना है वो भी बना के गया था। तो ये देखो पहले अपने इंग्लिश कोर है मेरा सब्जेक्ट, ये देखो और रोल नंबर ये है मेरा, देख लो रिजल्ट जब आएगा तो तुम चेक कर लेना मेरा स्कूल सेंटर नेम सब चीज होता है। पर कोई नहीं, रिजल्ट की भी वीडियो बनाऊंगा यार। पहले सेक्शन A मैंने शुरू करा, ये देखो मैंने सेक्शन A मैंने कैसे शुरू करा, जो 15 मिनट रीडिंग में मिले थे वो मैंने पहले ही 12 नंबर का पैसेज उस 15 मिनट में पूरा मतलब मार्क कर लिया था। मार्क करने नहीं देते पर पेंसिल से यार अपने लिए डॉट लगा ली थी कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने नोट मेकिंग करी और मैंने घर आके इसके आंसर भी चेक करे, मतलब ठीक थे सारे, लगभग 12 में से 12 मिल सकते हैं। अब आधा नंबर कहीं कट गया वो बात अलग है। और सेकंड मैंने नोट मेकिंग थी, नोट मेकिंग भी गाइस मैंने 15 मिनट लगे होंगे मेरे को, मतलब मैंने सेक्शन A 45 मिनट्स के लिए रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने करा था यार सेक्शन D, मतलब मेरे को लग रहा है कि सेक्शन A में अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यार सेक्शन D रखा था। सेक्शन D के लिए जैसे 10:30 से मेरा पेपर चालू था तो मैंने 11:15 तक अपना सेक्शन A करा था और 3-4 मिनट बच गए थे उसमें से मेरे को जो पूछना था, जो मेरे को लिटरेचर मतलब सेक्शन 3 लिटरेचर होता है, तो उसमें जो नहीं आती थी मेरे को एक आधी आती थी तो मैं पूछी, जो मेरे को 3-4 मिनट एक्स्ट्रा पड़े थे पहले सेक्शन के लिए। तो ये सेक्शन C था, ये देखो उसे देख लेता हुआ एक ये सेक्शन C था, RTC थी, उल्टा दिख रहा सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मैंने RTC करी और इसके लिए मैंने यार 45 मिनट रखे मतलब 12 बजे तक, पर मेरे को 12 मिनट मतलब 12:10 हो गए थे, 10 से 15 मिनट, ठीक है। ये कर लेंगे, ये पूरी लिटरेचर थी यार 30 नंबर की, तो मेरा 50 मार्क्स का पेपर पूरा हो गया था और मैं सारा करके ही जा रहा था, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा था, ठीक है। फिर तो सेक्शन B की बारी आई थी तो उसके बाद मेरे पे बचे हुए थे कम से कम भी मतलब था टाइम मेरे पे, तो मैंने 45 मिनट्स में मेरे को मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगा सेक्शन B, तो ये सेक्शन B आ गया अपना।
तो मैंने कम से कम भी मेरे को 7 से 8 मिनट लिखे नोटिस लिखने में। फटाफट मैंने यार पहले नोटिस लिखा, ठीक है, उसके बाद लेटर लिखने में मेरे को 12 से 15 मिनट लग गए होंगे, ठीक है। मतलब नोटिस तो यार ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी लिख लिया था मैंने, मतलब लगा लो 5 से 7 मिनट में। और लेटर भी ज़्यादा कुछ बड़े नहीं होते, 12th में जो पढ़ते होंगे उनको तो पता ही होगा कि हॉरिजॉन्टल आती है शीट्स, तो उसमें पहले मतलब फॉर्मेट में एक पेज भर जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो मेन आए थे ना 10-10 नंबर के, 2 स्पीच और आर्टिकल, उसमें लगने थे भाई देखो 10, और उसमें इतना टाइम लगना था कि मतलब 10-10 नंबर के थे तो 2 पेज भरने थे। 2 पेज तो यार मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम क्या मैक्सिमम 2 ही होते हैं, और 150 से 200 वर्ड में लिखना था। तो ये है 5th क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ये देख लो, ये 5th क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, ये देखो 10 मार्क्स है। मेरे को नहीं पता यार क्वेश्चन मेरे पास सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए मैंने फटाफट करा आर्टिकल क्योंकि मेरे 2 10-10 नंबर के बच रहे थे और मेरे पे कम से कम भी 1 घंटा बचा था, ठीक है। तो मैंने ये वाला तो कम से कम 10 नंबर का ही कर लिया होगा, 20 मिनट में 2 पेज, 20 से 25 मिनट में 2 पेज भर दिए, ठीक है। फिर मेरे पे टाइम बचा था फिर भी 40 से 45 मिनट। फिर जो मैंने लास्ट की ये जो स्पीच थी ना, ये 10 नंबर की, सिर्फ ये बचा था फिर मेरा, और उसको मैंने बिल्कुल आराम आराम से, मेरे पे बहुत टाइम था। फिर जब मेरे पे लास्ट में आधा घंटा बचा, मतलब आधा घंटा या 20 मिनट तो बचे ही होंगे, अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो पता ही होगा आपको, तो उसमें मैंने क्या करा, सब में लाइन्स की थी, मैंने कहा थोड़ी टाइम बचा ही है तो थोड़ी प्रेजेंटेशन भी कर ली जाए, लाइन्स खींची। फिर मैंने चेक करा कि मैंने सारा पेपर करा, फिर थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज कर दिया। पहले मैं इंग्लिश का पेपर कभी रिवाइज नहीं करता, टाइम था तो मैंने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फिर और टाइम बचा, टाइम पास नहीं हो रहा, फिर मैंने क्या करा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करके शुरू कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा उसके नीचे ऐसे ना लाइन डाल दी आंसर कैसे, ऐसे भाई टाइम मेरे पे इतना बचा, मैंने स्केल से पेंसिल उसमें भी, मतलब प्रेजेंटेशन तो ऐसी कर दी ना, मतलब बहुत बढ़िया टीचर नंबर दे ही दे। तो मेरे हिसाब से यार बहुत आसान पेपर था, ठीक है। और अगला पेपर यार मेरा मेन है अकाउंट्स का, उसके लिए विशेष दे दो, और यार थैंक्स जिन्होंने मेरे को यार पिछले उसमें विशेष दी थी, नीचे बेस्ट ऑफ लक बहुत लोगों ने लिखा था, तो इस बार भी लिख दो, अच्छा गया जब यार पेपर भी अच्छा गया मेरा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस पेपर के बारे में यार इतना ही, और मस्त गया, मज़ा तो यार अगली सीरीज़ में देखने में आएगा जब अकाउंट्स का होगा, ठीक है। तो बस यही थे इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ था नहीं, और यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, करा दो यार, पेपरों में भी वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेहनत आपको पता भी होगी यार, पढ़ने में इतना टाइम लगता है और वीडियो की एडिटिंग में सब, कम से कम भी भाई ये वीडियो मेरे को 1.5 घंटा हो गया शूट करते करते, कभी टेक लेने हैं कभी, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं यार, ऐसे ही नहीं हो जाती, थोड़ी लाइटनिंग भी देखनी होती है, अब वैसे लाइट बहुत अच्छी आ रही है मेरे मुंह पे। तो मिलते हैं आपको फिर यार अगली वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थैंक यू SRV भाई को, उन्होंने स्वाइप अप भी डाला मेरे लिए। तो मिलते हैं आपको फिर ऐसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और जिनके भी पेपर हैं यार 10th 12th के, अच्छे से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तब तक के लिए बाय।